बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जी। मैं यहाँ पर आपको साथ में अभी मैं दिखा भी देता हूँ। आपको पता है जी, हज ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और खैर वाफियत से हो चुका है। और इसके मतलब अभी कुछ वीडियो सामने आ रही है फ़नी किस्म की, यानी कि शैतान को कंकरियाँ मारने वाली कुछ अजीबोगरीब सी वीडियो, जो लोग भाई शैतान के ऊपर यानी कि अपना गुस्सा निकाल रखे हैं, इनमें पाकिस्तानी सरफरिश्ते हैं जी। और उसके बाद अभी एक वीडियो क्लिप जो सामने आई, यहाँ पर आप पिक्चर दिखा रहा हूँ, अभी साथ में ये क्लिप भी आपको चलाकर दिखाता हूँ मैं। आपने आप में से बहुत से भाइयों ने, बहुत से जो सऊदी अरब में रहते हैं यानी कि वो तो सफ़र कर चुके होंगे जी मक्का कभी ना कभी उमरा या हज के लिए, और जो पाकिस्तान से हैं जी, आपने भी कभी ना कभी उमरा के लिए सफ़र तो किया होगा। मक्का में आपको देखा, आपने देखा होगा कि अक्सर शहराओं के ऊपर, इशारों के ऊपर, अक्सर पॉइंट्स के ऊपर ये बाइक्स वाले खड़े होते हैं बाइक लेकर। आपको साथ में मैं यहाँ पर शायद अभी क्लिप भी वो दिखा रखा हूँ, ये बाइक लेकर खड़े होते हैं और देख रहे हुआ कुछ यूँ, ये देख रहे बाइक पकड़ रहा है वो पुलिस वाला, और ये रेसे देकर भाग रहा है। पीछे से एक दूसरा सऊदी भागा है और लोग भागे हैं, इसको पकड़ा है, और यानी कि इसका जो निकर है, निकर के जो जिसे हम बेल्ट बोल सकते हैं, वहाँ पर उस बंदे का हाथ टल गया है और ये काबू में आ गया, वरना ये काबू में नहीं आने वाला था, काला था जी। और ये अक्सर काले होते हैं, एथोपियन होते हैं ज़्यादातर। आपको शौकिया में अगर आपने काम किया तो वहाँ पर आपको बहुत मिल जाएंगे एथोपियन। अच्छा, अभी इसको पकड़ लिया गया, ये करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हाजियों को यानी कि आप बाहर से तो ला नहीं सकते हैं ये गैर कानूनी तरीके से, लेकिन आप मुजल्फा से जा रहे हैं जी, मीना के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो ये सौरिया ले लेते हैं एक हाजी से, आपको मीना छोड़ देता हूँ, मीना से मुजल्फा वापस, या आपको आपको अरफात जाना है, तो ये वहाँ पर बाइक चलाते हैं और पैसे कमाते हैं अच्छे खासे। वहीं मक्का में इनकी रिहाइशें होती हैं, वहीं पर रहते हैं, लेकिन अभी इसको गिरफ्तार कर लिया, अभी इसकी बाइक भी जाएगी और इसको ऊपर फाइन वगैरह इसको जेल पे भी कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ बताने का, मेरा ये दिखाने का मकसद भी ये था कि ऐसे ऐसे जो बाइक्स वगैरह अगर आपको मिल जाए तो इनके पीछे भी मत बैठे, ये बंदों के बाइक खुदते जेबें वगैरह भी काट लेते हैं रस्ते में, रोक कर उसको बोलते हैं जो कुछ है निकाल, तो इनसे एहतियात कीजिएगा। बहरहाल अभी ये अपनी की हुई जो वो तो भुगतेगा।